काली चुड़ैलों द्वारा एक गांव में हमला करके लाशों के ढेर लगा दिए गए और परिषद या पार्षदों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसी गांव में काले चुड़ैलों के आक्रमण का सामना करके और खुद पर जानलेवा हमला सहकर शार्दुल शाह ने 3 चुड़ैलों और एक रूप बदलने में माहिर प्राणी को मार डाला। इसके बाद वो गांव से बाहर आने वाले रास्ते पर आया और एक घर में बेहोश पड़ी असली शिजा तक पहुंचा। शिजा जिंदा थी लेकिन बेहोश थी। शार्दुल ने उसे उसका कंधा हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। उसके माथे पर गहरी चोट का निशान था। शार्दुल ने सावधानी से उसे उठाकर अपने कंधे पर रखा और गांव के बाहर खड़ी अपनी बग्घी की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते एक हाथ से उसने शिजा को संभाला हुआ था और दूसरे हाथ में अपनी पिस्तौल संभाल रखी थी ताकि अगर कोई और काली चुड़ैल इस गांव में जिंदा हो और हमला कर दे तो वो उससे निपट सके। शार्दुल ने बग्घी का दरवाजा खोलकर शिजा को एक गद्देदार सीट पर लेटा दिया और बग्घी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कीचड़ में लथपथ अपने कोचवान पर पड़ी। शार्दुल ने उसके पास जाकर उसकी गर्दन की रग को महसूस किया। उसकी धड़कन धीमी धीमी चल रही थी। बहुत किस्मत वाला है ये, शार्दुल ने खुद से कहा और कोचवान को उठाकर बग्घी के सामान रखने वाले हिस्से में लिटा दिया। तभी शार्दुल के शुद्ध खून वाले पिशाच शाह साहब वाले अहंकारी मन ने उससे कहा कि ये कोचवान ये जानकर खुद को कितना किस्मत वाला समझेगा कि उसका मालिक उसे बग्घी चलाकर हवेली तक लेकर गया था। लेकिन फिर शार्दुल ने सिर झटक कर उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया और ये सोचने लगा कि अगर वो कोचवान को यहीं छोड़ गया तो कोई ना कोई काले चुड़ैल समुदाय का प्राणी वहां जरूर आएगा और वो उस जिंदा आदमी को अपने काले जादू के अनुष्ठान में ज़िबह करने के लिए ले जाएगा। शार्दुल ने बग्घी के सामान रखने वाले हिस्से में कोचवान को ठीक से लेटाया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि रास्ते में अगर पीछे से कोई काली चुड़ैल समुदाय का सदस्य हमला करे तो उसे एक कमजोर और घायल इंसान न दिखे जिससे वो उस शरीर को हासिल करने के लिए ललचा जाए। शार्दुल जितना तेज हो सकता था उतनी तेज गति से अपनी बग्घी को हांकते हुए शाह हवेली की तरफ ले चला। हवेली पहुंचते ही शार्दुल ने बग्घी को सीधा अस्तबल के सामने रोका। शार्दुल का विश्वास पात्र खानसामा दयाल अपने मालिक के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने जैसे ही हवेली के बड़े से फाटक के खुलने की आवाज सुनी वो दौड़कर बाहर आ गया था। उसके मालिक को आने में आज बहुत ज्यादा देर हो गई थी और वो चिंतित था। जब उसने बग्घी को हवेली के नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे की जगह अस्तबल के पास रुकते देखा तो वो दौड़कर वहां पहुंचा। दयाल ने देखा कि उसके मालिक शार्दुल शाह के चेहरे पर बहुत ज्यादा फिक्र के भाव थे। दयाल ने अभिवादन किया तो शार्दुल ने बिना कोई जवाब दिए उसी फिक्रमंद चेहरे के साथ दयाल से कहा, बग्घी के पीछे जो आदमी है उसे देखने के लिए कोई डॉक्टर या हकीम हवेली में मौजूद है या नहीं? अगर नहीं तो फौरन बुला लो। दयाल ने देखा कि उसके मालिक की पसंदीदा गुलाम बग्घी की सीट पर बेहोश पड़ी थी और मालिक ने खुद उसे अपनी गोद में उठा लिया था। यानी कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही थी वो ये गुलाम तो नहीं थी। दयाल घूमकर बग्घी के पीछे सामान रखने वाले हिस्से की तरफ गया और दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि कोचवान वहां बेहोश पड़ा था और उसके कंधे में एक तीर अभी भी घुसा हुआ था। पहली नजर में उसे देखकर दयाल को लगा कि जैसे वो व्यक्ति मर चुका है, लेकिन दयाल के मालिक शार्दुल शाह साहब ने उसे आदेश दिया था कि कोचवान को हकीम या डॉक्टर को दिखाना है, तो दयाल को सभी जरूरी बंदोबस्त करने ही थे। दयाल अपना अगला कदम उठाता उससे पहले ही उसने देखा कि उसका मालिक शार्दुल शाह अपनी गुलाम के साथ गायब हो चुका था। दरअसल शार्दुल शिजा को उठाकर लंबे लंबे डग भरता हुआ हवेली की तरफ चला था और जैसे ही दयाल की नजरें इधर उधर हुई उसने पैदल चलने और सीढ़ियां चढ़ने की जगह अपनी पिशाची शक्ति वाली रफ्तार का इस्तेमाल किया था और वो सीधा अपने कमरे के अंदर आ चुका था। अपने कमरे में पहुंचते ही शार्दुल ने शिजा को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके पैरों में पहने जूतों को उतारकर बिस्तर के नीचे करीने से रख दिया। इसके बाद शार्दुल ने अपने जूते उतारे
और वो फटाफट भागकर गुसलखाने की तरफ गया और वहां एक छोटा तौलिया पानी में भिगो कर ले आया। शिजा के सिर पर इतनी जोर से वार किया गया था कि उस एक वार में ही वो चारों खाने चित्त हो गई थी। शार्दुल बिस्तर पर शिजा की बगल में खाली जगह पर बैठ गया और उस भीगे तौलिये से उसके माथे पर सूखे हुए खून को धीरे धीरे रगड़कर साफ करने लगा। वो इस बात से बेहद खुश और आभारी था कि शिजा जिंदा थी। शिजा के जूते उतारकर उसे बिस्तर पर इत्मीनान से लिटाने के बाद शार्दुल ने ठीक से उसके माथे पर सूख कर जमे हुए खून को साफ किया और फिर बिस्तर पर रखा कंबल उसे ठीक से ओढ़ा दिया ताकि उसे ठंड ना लगे। उसे बेहोशी में देखकर शार्दुल उठा और बारजे की तरफ चला गया। वो नीचे शोर करती हुई झील और दूर दूर तक फैले जंगल के उस पार तक देखने की कोशिश कर रहा था। जब वो दोनों उस कस्बेनुमा वीरान गांव से निकले थे तो दिन ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था। घर पहुंचते पहुंचते रात ज्यादा हो चुकी थी। शार्दुल ने एक सिगार जलाया और दिया सलाई की तीली को बिना बुझाए नीचे फेंक दिया। वो कुछ दूर तक जलती हुई नीचे गिरी और उसके बाद बुझकर नीचे झील में जा गिरी। शार्दुल सोचने लगा कि पहले तो उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए केवल काले चुड़ैल ही अपने कारनामों को अंजाम देते रहते थे और अब उसे पता लगा था कि वो तो आजकल पूरे जोर शोर के साथ अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगे थे। उसके बाद ये रूप बदलने वाले प्राणी अचानक प्रकट हो गए थे जो निश्चित रूप से उसकी परेशानी बढ़ा रहे थे और ऊपर से ये तारों का संरेखण जिससे पता नहीं किस किस को क्या क्या शक्तियां मिली थी जिनका पता लगाना अभी बाकी था। वो सोचने लगा कि ना जाने अब कौन कौन सी चीजें देखना उसके लिए बाकी था जो अचानक उसके सामने आएंगी। अपने चचेरे भाई अरमान शाह के बारे में सोचते ही वो परेशान हो गया। जब से उन दोनों काली चुड़ैलों ने पोशीदा चुड़ैल के बारे में जिक्र किया था शार्दुल के दिमाग के किसी हिस्से में इस मुद्दे पर कोई ना कोई विचार चल रहा था जिसे पूरी तवज्जो देने का वक्त अब तक उसे नहीं मिल पाया था। अब रात की शांति में उसने इस मुद्दे पर सोचना शुरू किया और उसे याद आया कि एक चुड़ैल थी जिसे परिषद ने इंसानी समुदाय का हित देखने वाले विभाग को सौंपा था ताकि वो परिषद और इंसानों की मदद कर सके, लेकिन वो कभी कभी ही सब लोगों के सामने आती थी, बाकी समय में न जाने वो कहां गायब रहती थी। शार्दुल को अचानक उस पर बहुत ज्यादा शक होने लगा। कोई खास सबूत या शक करने की कोई बहुत बड़ी वजह अभी उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन बस उसके दिमाग में कुछ था जो उसे ये बता रहा था कि इस मामले में वो चुड़ैल एक मददगार संकेत हो सकती थी। शार्दुल जब भी उस औरत को देखता था तो उसे अपनी मृत ताई अमोलिका शाह की याद आ जाती थी। शार्दुल के साथ ऐसा अक्सर नहीं होता था कि वो दो लोगों में समानताएं खोजता फिरे या फिर किसी को देखकर उसे हर बार किसी और व्यक्ति की याद आए, लेकिन इस महिला के बारे में कुछ था जो बहुत शिद्दत के साथ उसे इस बात का एहसास करवाता था कि वो उसकी ताई अमोलिका शाह से बहुत ज्यादा मिलती जुलती सी थी। यही बात शार्दुल के दिमाग में शक को और ज्यादा मजबूत कर रही थी। अमोलिका शाह अरमान शाह की मां थी और शार्दुल शाह की ताई थी। वो एक बहुत शक्तिशाली, दयालु और मददगार स्वभाव की सफेद चुड़ैल थी। कुछ साल पहले अचानक उन पर मनुष्यों ने हमला कर दिया था और उन्हें जलाकर मार डाला था। आज तक कोई ये नहीं बता पाया था कि अचानक बिना किसी उकसावे या कारण के मनुष्यों की उस भीड़ को क्या हुआ था और उन्होंने अमोलिका शाह पर हमला क्यों बोला था। शार्दुल ये तो जानता था कि वो दोनों एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते थे, क्योंकि मौत के बाद कोई भी इंसान लौटकर वापस नहीं आ सकता था और यही बात उसे और ज्यादा भ्रम में डाल रही थी। उसका सिगार खत्म हो गया तो उसने उसका धुआं झाड़कर उसे खिड़की से बाहर नीचे फेंक दिया। शार्दुल ने पलट कर देखा कि शिजा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वो जानता था कि उसे अपनी बेहोशी से जागने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। उसकी सावधान नजरें दरवाजे पर गईं और दरवाजे पर अंदर से ताला लगा देखकर वो आश्वस्त हो गया। शिजा को भी नहीं पता था कि उसके झील में गिरने के बाद शार्दुल ने चुपके से कमरे के दरवाजे का ताला बदल दिया था।
शार्दुल शाह पछतावे से ज्यादा सावधानी रखने में विश्वास रखता था। कमरे के बाहर बह रही ठंडी हवा के एक तेज झोंके के साथ शार्दुल अपने कमरे से गायब हो गया था और सीधा प्रकाश भवन पहुंच गया था। ये सिरमूर के राजा का महल था। जगत प्रकाश सिरमूर के साथ साथ श्यामला, पंजाब, मध्य, उत्तर और पूर्व के पूरे क्षेत्र के राजा थे। उनके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी, जिनमें सबसे ज्यादा प्रमुख ये थी कि उन्होंने अपने ही पिता को मारकर गद्दी हथियाई थी। इस बात को सुनकर कोई भी उन्हें गलत कह सकता था, लेकिन राजा का पद ऐसा था जिसे पाने के लिए षड्यंत्र और संघर्ष दोनों लगातार चलते रहते थे। राज परिवार और उसके आसपास के बहुत से खानदानों में बहुत से पुरुष और महिलाएं ऐसे थे जो खुद या अपने किसी खास को राजगद्दी तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। किसी भी हद से मतलब कोई भी बुरी से बुरी हद पार करना उन सब लोगों के लिए आसान बात थी। शार्दुल को अपनी मृत मां महाजबीन की एक सीख याद आई जिस पर वो हमेशा विश्वास करता था। उसकी मां हमेशा कहती थी कि कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके काम उसको अच्छा या बुरा कहलवाते हैं। किसी भी व्यक्ति पर अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगाने से पहले उसके हालात में खुद को खड़ा करके ये सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, और फिर आप दूसरों को जांचना परखना बंद कर देंगे। कोई बुरे से बुरा काम भी आप दूसरे व्यक्ति का देखेंगे और आप उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे तो आप जान जाएंगे कि उसने जो किया वो क्यों किया। जगत प्रकाश के खिलाफ चाहे जितने भी षड्यंत्र होते रहते हों और उनके खिलाफ कितनी भी अफवाहें क्यों ना उड़ाई जाती रही हों, लेकिन आज तक कोई भी मामला साबित नहीं हो पाया था और कोई सबूत नहीं मिला था। इस वजह से पूरा का पूरा मामला ही अमान्य हो गया था। अपने हाथों को अपनी पतलून की जेब में डालकर प्रकाश भवन के अंदर चलते हुए शार्दुल उस दरवाजे तक गया जो खुला था, जैसे कि शार्दुल के ही आने की उम्मीद कर रहा हो। महल का द्वारपाल प्रतीक्षा में वहीं खड़ा रहा और सिर झुकाकर बोला, नमस्कार शाह साहब। शार्दुल यहां पहली बार नहीं आया था। वो आज ही की तरह पहले भी कई बार परिषद के काम के कारण और कभी कभी राजा जगत प्रकाश की चाची रानी मां द्वारा रखे जाने वाले आयोजनों में शामिल होने भी आता रहता था। द्वारपाल बोला, आइए आप अंदर अध्ययन कक्ष में बैठिए। शार्दुल ने हां में सिर हिलाया। उसने महल के अंदर कदम रखा जो उसकी अपनी हवेली जितनी ही बड़ा था। एक मुख्य अंतर यह था कि शार्दुल की पारिवारिक हवेली बाकी महलों और हवेलियों की तुलना में बहुत भव्य दिखती थी। जब वो अध्ययन कक्ष में बैठ गया तो उसके 2 मिनट से भी कम समय में राजा साहब वहां पहुंच गए। राजा जगत प्रकाश एक लंबा चौड़ा आदमी था। इस वक्त उसके रूखे दिखने वाले भूरे बाल उलझे हुए थे और वो उनमें उंगलियां घुमाकर अपने बालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वो जिस परिवार से ताल्लुक रखता था वो सबसे पुराने शुद्ध खून वाले परिवारों में से एक था। राजा जगत प्रकाश शार्दुल के चचेरे भाई की तरह तीसरी पीढ़ी में पैदा हुआ था, लेकिन वे दोनों ही शार्दुल से कुछ वर्ष बड़े थे। शार्दुल ने कहा, इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं राजा साहब। मेज के सामने आकर उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और सामने वापस बैठने से पहले राजा साहब से हाथ मिलाया। राजा साहब ने अच्छे से हाथ मिलाया और बोले, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि तुम इस वक्त मुझसे मिलने आओगे। बताओ पार्षद शार्दुल शाह, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? राजा जगत प्रकाश ने साधारण तरीके से पूछा। राजा की दयालु आंखें शार्दुल को उत्सुकता से देख रही थी। शार्दुल ने आदर के साथ कहा, मैं अपने साथ कुछ समाचार लाया हूं जो आपको इसी वक्त बताना बहुत जरूरी था। वो प्राणी जो दूसरों का रूप चुराकर उनके जैसे बन जाने में सक्षम है, ऐसा लगता है कि उनमें से एक ने परिषद में प्रवेश कर लिया है। ये सुनते ही राजा साहब के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए और उनकी आंखें संकुचित हो गई। शार्दुल ने आगे कहा, हड्डियों की झील के पास पूर्व की ओर के गांव में से एक पर काले चुड़ैलों द्वारा हमला किया गया है। आज मैंने वहां खुद जाकर देखा
कि पूरे गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। उन दुष्ट चुड़ैलों ने वहां इंसानों और निचले दर्जों के पिशाचों के शव जमा करके रख छोड़े हैं, ताकि वो काला जादू करने के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकें। उन शवों को जल्द से जल्द जलाना या दफनाना होगा, और इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। आखिर शार्दूल क्यों गया था राजा जगत प्रकाश से मिलने?